सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा स्नैपचैट की इंपॉर्टेंट पब्लिक प्रोफाइल की सेटिंग, स्पॉटलाइट की सेटिंग, जिसमें हम सीखेंगे कि आप कैसे कमेंट या रिप्लाई ऑफ कर सकते हो। मान लीजिए आप स्पॉटलाइट वीडियो पे वीडियोस डालते हो या स्टोरी लगाते हो, तो अगर आपको कोई गलत कमेंट करता है, गलत रिप्लाई करता है, उसको आप या तो हमेशा के लिए ऑफ कर सकते हो, या कुछ वर्ड, जैसे मान लीजिए आपको कोई गाली देता है, ठीक है, गाली देता है, आप वो गाली या वर्ड, कुछ ऐसे शब्द जो आप नहीं चाहते कोई लोग आपको रिप्लाई करें उसका, तो आप उसमें वो डाल के सेव कर सकते हो। जब भी वो बंदा, अगला बंदा कोई गाली देना चाहेगा उस शब्द की, वो नहीं दे पाएगा, वो आपके तक आएगी नहीं, या कोई भी आपको रिप्लाई करना चाहेगा स्नैपचैट के अंदर, पब्लिक प्रोफाइल के अंदर, वो नहीं कर पाएगा। ये आपके लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते लोग आपको नेगेटिव करें, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, आपकी स्टोरी पर रिप्लाई नहीं आएगा और कोई भी आपको रिप्लाई नहीं कर पाएगा और ऐसी वैसी गाली या गंदी बात नहीं कह पाएगा स्नैपचैट के अंदर, स्पेशली अगर आप गर्ल्स हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच, ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया, 500-700 लोगों ने, नए लोगों जुड़े हैं हमारे साथ, सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर मैं आपकी किसी ना किसी तरह से हेल्प कर पाया हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, इस वीडियो में वही बात करेंगे जो मैंने बताया, स्नैपचैट की पब्लिक प्रोफाइल की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं डायरेक्ट स्नैपचैट के अंदर। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आप स्नैपचैट से पैसे कमा सकते हो, ठीक है, नई अपडेट्स आई हैं, नई पॉलिसीज आई हैं, उसके ज़रिए आप बहुत आसान तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहले 24 घंटे में लाखों व्यूज चाहिए होते थे, अब सिर्फ आपको मिनिमम 1000 व्यूज चाहिए। देखो जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है उनके मन में, ठीक है, किसी भी वीडियो से आप आए हो कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, ठीक है, अगली वीडियो में आपके कमेंट के ऊपर ही बनाऊंगा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, आप कैसे ऑफ कर सकते हो किसी का आपको रिप्लाई ना आए या गलत वर्ड आपको कोई यूज़ ना कर सके। चलिए चलते हैं स्नैपचैट की पब्लिक प्रोफाइल की सेटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखते हैं कि वो कैसे कैसे क्या यूज़ होता है उसमें। सबसे पहले हमें स्नैपचैट का अपडेट चेक करना है कि स्नैपचैट पे कोई अपडेट तो नहीं आया, मेरा अपडेटेड है स्नैपचैट, ठीक है, सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, और अब हमें जाना है प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। जैसे प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है, ये तो है हमारी पब्लिक प्रोफाइल, ठीक है, लेकिन हमें सेटिंग में जाना है, ठीक है, ऊपर आपको आइकन दिख रहा है, सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, अब आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, फर्स्ट पे स्नैपचैट प्लस, ये बहुत सारे ऑप्शन है। अब नीचे जाना है थोड़ा सा, और आपके सामने है पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देख लें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका नाम होगा पब्लिक प्रोफाइल का, वो आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है आपके सामने, प्रोफाइल सेटिंग, मैनेज प्रोफाइल, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, अगर हम एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, सेव ए स्टोरी टू योर प्रोफाइल, सेव योर बेस्ट स्नैप ऑन योर पब्लिक प्रोफाइल, ठीक है। अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैनेज पब्लिक प्रोफाइल, सॉरी मैनेज पब्लिक स्टोरी, ठीक है। अभी ये देखिए शो स्टोरी रिप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है शो स्टोरी रिप्लाई, इसको मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे लोग रिप्लाई कर सके, जो मेरी स्टोरी है अच्छा बुरा कुछ भी, मैं तैयार हूँ दोनों के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। अगर आप नहीं चाहते आपको कोई रिप्लाई करे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली ऑफ कर देना है। जैसे ऑफ कर दोगे तो अब आपके सामने कोई रिप्लाई नहीं आएगा, किसी का भी आपको स्टोरी पर रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। अभी जिसको मान लीजिए ऑन कर देते हैं, तो एक और ऑप्शन आ गया आपके सामने, एडिट म्यूटेड वर्ड, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था आपको कोई गाली वाली ना दे सके, ठीक है। आप जैसे ही एडिट म्यूटेड वर्ड पे डाल देंगे, जैसे मान लीजिए अब लिखा हुआ है ऐड म्यूटेड वर्ड, यहाँ पे आपको वो लिखना है जो आप सोचते हो कि आपको लोग गाली दे सकते हैं या कुछ भी ऐसा वर्ड, ठीक है, आपको यहाँ लिखना है एंटर वर्ड, और ठीक है यहाँ पे एंटर वर्ड लिख देना है। जैसे मैं गाली तो लिखूंगा नहीं कुछ, या कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरी बैड, ठीक है, वेरी बैड, ठीक है, आप कुछ भी गाली लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे कोई बंदा आगे से ये रिप्लाई करेगा वेरी बैड, तो वो रिप्लाई नहीं होगा अगर मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है, तो ये वेरी बैड आ गया। अब ऐड वर्ड करके देखते हैं, एक और बेकार, बेकार लिख दिया मैंने, सेव कर देते हैं, ठीक है। अब जितने भी वर्ड हैं आप बहुत सारे वर्ड टैग कर सकते हो, जैसे फुद्दू, लाइक अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आपको ऐसे ऐसे कमेंट आने वाले हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे टाइप करके रख सकता हूँ। अगर मेरी स्टोरी पे कोई रिप्लाई करेगा तो ये वाले वर्ड अगर वो यूज़ करेगा तो नहीं आएंगे, रिप्लाई ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको या तो बिल्कुल ही ऑफ कर सकते हो, जैसे यहाँ से हम ऑफ कर देंगे तो एडिटेड म्यूटेड वर्ड गायब हो जाएगा। अगर हम इसको ऑन कर देंगे कि रिप्लाई तो कर पाए लेकिन कुछ वर्ड जो हैं वो ना कह पाए,
जैसे कि ऐसे, ठीक है। आप इसको सिंपली रिमूव कर सकते हो और यहाँ से ऐड कर सकते हो वर्ड्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए भी अगर आप करना चाहो तो। आई होप सो गाइस आपको पता चल गया होगा इंपॉर्टेंट सेटिंग। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो अभी तो प्लीज़ कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, सही इन्फॉर्मेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ जल्दी अगले किसी शानदार वीडियो में।